सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस, हम लोग क्लेम करने वाले हैं बहुत ही कमाल के रेयर बंडल जो कि हमारे मेल बॉक्स में आए हैं। तो गाइस, कौन कौन से वो बंडल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसको गाइस क्लेम करेंगे और उसको अनबॉक्स करेंगे। गाइस बहुत ही रेयर बंडल है, इलाइट पास के बंडल है, उनको क्लेम करने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह, अभी तक आप लोगों ने गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो चलते हैं गाइस सीधा अपने मेल बॉक्स में, और मेल बॉक्स में चल के गाइस देखते हैं क्या मिला है। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे हमें कस्टम रूम कार्ड जो कि गाइस हमें मिलते हैं वीकली, तो यहाँ पे एक कस्टम रूम कार्ड मिला है। तो इसको गाइस हम लोग क्लेम करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कस्टम रूम कार्ड आ चुका है, और गाइस क्या आया है हमारे पास वो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ नीचे वाली साइड पे। इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे 40 कस्टम रूम कार्ड आए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे गाइस एक फीमेल करेक्टर का, दो फीमेल करेक्टर के बंडल है। गाइस कौन कौन से है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस ये वाला गाइस फीमेल करेक्टर का बंडल है, तो मेरे ख्याल से ये सीजन 4 का बंडल है। गाइस बहुत ही कमाल का बंडल है, तो ये वाला बंडल हमें मिला है गाइस। तो इसको ओपन करेंगे, ये सीजन 4 का रेयर बंडल है गाइस। बहुत कम बंदों ने ये वाला इलाइट पास लिया था, तो ये फीमेल करेक्टर का बंडल है, सही है। तो इसको ओपन करेंगे, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे हमें मिला है सीजन 7 का फीमेल करेक्टर का बंडल। तो गाइस इसकी भी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, आप सभी को पता ही है। तो ये सीजन 7 का फीमेल करेक्टर का बंडल है, तो मेल करेक्टर का बंडल हमारे पास पहले ही था, और अभी ये हमारे पास आया फीमेल करेक्टर का बंडल। तो दोनों के दोनों बंडल्स को क्लेम करेंगे, साथ ही साथ 40 कस्टम रूम कार्ड है गाइस, देख सकते हो 40 कस्टम रूम कार्ड को क्लेम करने वाले हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे वाली साइड पे क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमें मिला है एक इमोट, तो ये देख सकते हो ये वाला इमोट भी फ्री में मिला है, तो इसको क्लेम करने वाले हैं। नीचे वाली साइड पे गाइस हमें 1000 डायमंड मिले हैं, तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड हम लोग कर लेते हैं क्लेम। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो का लाइक कैम रखते हैं 15,000 लाइक, तो 15,000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। और इस वीडियो में हम लोगों ने गिव अवे भी रखा है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाओ ज्वाइन करो। अगर आप लोग विन करते हो तो आप लोगों को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में डायमंड्स। तो चलो गाइस अभी करते हैं हम लोग अपने जो इलाइट पास के बंडल है वो क्लेम करते हैं। तो हाँ गाइस यार, यहाँ पे मैंने फेस कैम ऑफ कर दिया कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल सही से दिखाई दे। तो यहाँ पे गाइस चलते हैं अपने मेल बॉक्स के अंदर, और मेल बॉक्स में चल के करते हैं क्लेम। तो यहाँ पे क्लेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों के दोनों बंडल और साथ ही साथ यहाँ पे 40 कस्टम रूम कार्ड क्लेम हो जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं क्लेम के ऊपर क्लिक करके इसको कर लेते हैं क्लेम। तो चलो गाइस यहाँ पे गाइस हमें 40 कस्टम रूम कार्ड देख सकते हो आप लोग, ये मिल चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे गाइस हमें ये वाला फीमेल करेक्टर का बंडल मिल चुका है, और यहाँ पे ये वाला फीमेल। तो दो बंडल और 40 कस्टम रूम कार्ड आ चुके हैं। फेस कैम इस वजह से मैंने मतलब हटाया है कि आप लोगों को यार वीडियो बिल्कुल सही से दिखाई दे। तो चलो गाइस इसको हम लोग ओपन करते हैं, और ओपन करके भी आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे गाइस मिल चुका है हमें सीजन 7 का पूरा बंडल, जो कि गाइस काफी कमाल का बंडल है। तो यहाँ पे सीजन 7 का बंडल हम लोगों ने कर लिया है क्लेम। तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, एक लाइक तो कर दो सब लोग, जो जो बंदे वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक करो। एंड ओके पे गाइस क्लिक करते हैं। तो चलो, और ओके किया तो भाई दूसरा बंडल क्यों नहीं ओपन हुआ, ये वाला बंडल ही नहीं ओपन हुआ। अभी चलेंगे गाइस हम लोग अपने वॉलेट के अंदर चल के गाइस यहाँ पे बंडल में चलते हैं। सो, यहाँ पे बंडल हमारा क्यों नहीं आया गाइस? एक बंडल हमारा ओपन हो गया था, दूसरा बंडल कहाँ गया? रुको, दूसरा बंडल कहाँ गया भाई? दूसरा बंडल ही नहीं आ रहा, ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या? क्लेम कर लिया लेकिन बंडल शो नहीं हो रहा। तो चलो गाइस वो हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे, रुको कोई बग वगैरह आ गया होगा। तो चलो गाइस यहाँ पे फीमेल करेक्टर का लेके, फीमेल करेक्टर लेके उसके ऊपर बंडल क्विप करते हैं जो हम लोगों को मिला है ये वाला। अभी दूसरा जो बंडल है वो गाइस पता नहीं कहाँ चला गया है। तो यहाँ पे चलते हैं, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। सो, देख लेंगे गाइस कहाँ चला गया हमारा बंडल। और अभी गाइस जो हमारे दूसरे रिवॉर्ड हैं उसको क्लेम करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये इमोट गाइस यार क्लेम करते हैं, देख सकते हो आप लोग। ये इमोट को मैं क्लेम कर लेता हूँ। तो चलो, ये इमोट भी मिल चुका है, वैसे मेरे पास पहले ही था। और अभी गाइस यार यहाँ पे 1000 डायमंड हमें मिले, तो इसको भी मैं क्लेम कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पे 1000 डायमंड भी मिल चुके हैं। अभी गाइस बात आती है, हमारा जो दूसरा फीमेल करेक्टर का बंडल था वो किधर गया? तो भाई वो वाला बंडल, अच्छा, वो कॉस्ट्यूम है गाइस, वो बंडल नहीं है, ये रहा, वो कॉस्ट्यूम है,
मैं भी यार, मतलब कि मुझे पता ही नहीं था ये बंडल नहीं है, पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम है। मतलब आप अलग अलग इक्विप नहीं कर सकते, पूरा का पूरा बंडल इक्विप करोगे। तो यहाँ पे गाइस हमें बंडल देख सकते हो, दोनों के दोनों फीमेल कैरेक्टर के बंडल आ चुके हैं हमारे पास। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। इसके साथ साथ हैकर स्टोर आया है, हैकर स्टोर में गाइस हम लोग स्पिन करेंगे, और हैकर स्टोर के अंदर कौन कौन से बंडल आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और क्लेम करके आप लोगों को चल के दिखाते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाले बंडल कैसे लगे। अभी चलते हैं गाइज यार हम लोग हैकर स्टोर में। तो गाइज यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला हैकर स्टोर। तो यहाँ पे हैकर स्टोर को हम लोग ओपन करते हैं। हैकर स्टोर गाइज यार यहाँ पे कल ही पाकिस्तानी सर्वर में देखने को मिल गया था, इंडिया सर्वर में अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया। इंडिया सर्वर में भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज ये वाला बंडल देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग, स्कल पंकर बंडल जो है ये वाला बंडल है, और यहाँ पे ये वाला बंडल है व्हाइट शेडो बंडल। ये वाला बंडल मेरे पास नहीं है, व्हाइट शेडो वाला बंडल पहले एक बार आया था, मैंने नहीं निकाला था। सो गाइज हम लोग व्हाइट शेडो वाला बंडल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला बंडल तो दोबारा से आ जाएगा, लेकिन ये जो व्हाइट शेडो वाला बंडल है इसकी जो शर्ट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी लगती है, मैंने पहले इसको नहीं निकाला था। तो चलो गाइस इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमें देखने को मिल रही है ये वाली स्केटबोर्ड, और यहाँ पे कुछ और रिवॉर्ड है। तो ये वाली स्केटबोर्ड मेरे पास मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके कंफर्म करते हैं गाइस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई दो चीजें हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, कंफर्म करते हैं। और अभी गाइज आप लोगों ने क्या करना है, 9 डायमंड से स्पिन स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आप लोग स्पिन करोगे तो आप लोगों के डायमंड बढ़ते जाएंगे। अभी देखते हैं हमें कितने डायमंड में ये वाला बंडल मिलता है। तो चलो गाइज यहाँ पे मैं स्पिन करना स्टार्ट कर देता हूँ, चलो गाइज कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पिन कर दिया, देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे MP40 का क्रेट मिल चुका है, 49 डायमंड वाला स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या मिलता है देखते हैं गाइज, यहाँ पे अभी मिल चुका है डायमंड रॉयल वाउचर। नेक्स्ट गाइज 99 डायमंड वाला स्पिन करते हैं, और नेक्स्ट स्पिन में देखते हैं क्या मिलता है। नेक्स्ट वेपन रॉयल वाउचर जल्दी जल्दी से स्पिन करते हैं गाइज, और यहाँ पे इंक्यूबेटर वाउचर मिलेगा। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर वाउचर मिल चुका है, अभी 399 डायमंड वाला स्पिन करते हैं गाइज। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, अभी हमें स्केटबोर्ड मिल चुकी है, लास्ट में हमारा जो ये वाला बंडल है, इसकी जो शर्ट देख रहे हो ये BNL वाली शर्ट है। तो मेरे पास ये वाला बंडल नहीं था, पहले आया था लेकिन मैं निकालना भूल गया था। अभी यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने क्लेम कर लिया है। आप लोगों को जो बंडल अच्छा लगे वो आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही जल्द आप लोगों को इंडिया सर्वर में भी हैकर स्टोर देखने को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला हैकर स्टोर। अभी चलता हूँ मैं बंडल के अंदर, और बंडल के अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो बंडल हमारे पास आ चुका है, इसको ओपन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बंडल को ओपन भी कर लिया है। सो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाला बंडल कैसा लगा। ओके करते हैं गाइस, और यहाँ पे बस। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने सारे के सारे बंडल को क्लेम कर लिया है, ओपन भी कर लिया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, एक लाइक तो यार बनता है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।